तो हमारी न्यू एलईडी आ चुकी है। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि बताया था कि हमारी जो एलईडी थी वो टूट गई है गलती से, वो एकदम से ऊपर से नीचे गिरी, वो टूट गई। और आज है सेकंड नवरात्रा, और तो नवरात्रों में ही हमने ये मंगा ली एलईडी, क्योंकि अभी मन्नू बहुत ही परेशान हो रहा था बिना टीवी के। उसको तो कार्टून देखने होते हैं, मुझे टीवी देखने का बिल्कुल भी शौक नहीं है। तो राहुल ने जल्दी मंगवा दी, और अभिमन्यु ने देखो एज यूजल अपने टॉयज बिखेर रखे हैं। तो अभी तो मॉर्निंग का ही टाइम हुआ है, जस्ट वो स्कूल गया, आज उसकी बस भी निकल गई लिफ्ट में प्रॉब्लम होने के कारण। तो देखते हैं, मैं भी आज लगवा भी दे, क्योंकि अभिमन्यु फिर फोन की जिद करता है, तो फोन उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। MI की मंगवाई है ये, और राहुल ही इसको आके ओपन करेंगे, मैंने इसे ऐसे ही रखवा दिया है। वैसे उन्होंने बाद जब अभिमन्यु को छोड़ने जा रहे थे ना, तो उन्होंने निकलवा के बाहर एक बार चेक करवा ली थी कि कहीं कहीं से ब्रेकेज ना हो स्क्रीन वगैरह, तो चेक कर ली थी, इसलिए ये ओपन है यहाँ से, क्योंकि उन्होंने बाहर ही चेक कर लिया एक बार ही। वो लेट हो रहे थे अभिमन्यु को छोड़ने के लिए, इसलिए बेडशीट भी आज मुझे चेंज करनी है, इसलिए मैंने उतार दिया है। तो राहुल अभिमन्यु को स्कूल छोड़ के आ चुके हैं, और उन्होंने अभिमन्यु की अलमीरा के ऊपर ही लगा दिया, और HD क्वालिटी है इसकी, तो हम लोग चेक कर रहे थे इसकी क्लैरिटी, और अभी लगाने वाला आया नहीं है, तो कल आएगा मे बी वो, तो कल लगवा लेंगे हम लोग। पूजा करने में थोड़ी सी लेट हो गई हूँ, क्योंकि मैं ना शाम को भी 4:30 बजे नहाई हूँ, आज घर में बहुत काम थे। तो मॉर्निंग में मैंने वीडियो शूट तो किया था, जस्ट ये दिखाया था कि हमने न्यू LED ले ली है, मीन्स राहुल ने मंगवा ली है। तो उसके बाद मैं शूट नहीं कर पाई, मेरे ना थोड़े से सिर में भी दर्द था, इसलिए मैं शूट आज है सेकेंड नवरात्रा, और फास्ट तो नहीं रखी है मैंने, बट मैं पूजा शाम के टाइम कर लेती हूँ, मॉर्निंग में राहुल कर लेते हैं और शाम के टाइम मैं कर लेती हूँ, और मॉर्निंग में अभिमन्यु भी कर लेता है। तो अभी जस्ट मुझे वही डेली रूटीन का रात का काम करना है, मुझे बनानी है आलू गोभी। आज वो ना गोभी ले आए हैं, सब्जी सारी ख़त्म हो रही थी, और आप यकीन नहीं मानोगे मैं कम से कम 15 दिन बाद सब्जी बना रही हूँगी, क्योंकि मैं ना ज़्यादातर अब दाल छोले राजमा यही बनाती हूँ, क्योंकि यार बाहर की सब्जियों में ना बहुत ज़्यादा केमिकल है, तो इस वजह से मैं सब्जी जो है बहुत ही कम बना रही हूँ। और जब पूजा करती हूँ ना, तो इस तरह से मैं चुन्नी सर पे ले लेती हूँ, वैसे तो मैं यहाँ पे कोई नहीं आता तो चुन्नी वगैरह नहीं लेती, आपने देखा होगा मेरी वीडियोज़ में मैं लोअर टी शर्ट में ही रहती हूँ ज़्यादातर। और अभी त्यौहार आ रहे हैं ना, तो ऐसे मन करता है थोड़ा सा तैयार होने का, सूट पहनने का, बाहर जाके बात करती हूँ किचन से। और ऐसे रखती हूँ चुनी, और अभी मनु ना कार्टून देख रहा है, आज तो उसने कम से कम 2 घंटे हो गए उसे कार्टून देखते हुए, वैसे उसने होमवर्क वगैरह भी कर लिया है, मान नहीं रहा, क्योंकि इतने दिनों के बाद कम से कम मेरे ख्याल हो गया होगा 1 वीक हो गया होगा। और ये देखो मतलब कितना कोइंसिडेंस है कि मंडे को शायद मुझसे LED टूटी थी, और आज मंडे मंडे है ट्यूसडे आज है ट्यूसडे आई नो आज मंडे है मैं कंफ्यूज हो गई यार आज मंडे है आज मंडे है मैंने इसकी होमवर्क में जब चेक किया था ना, तो आज मंडे ही है, और मंडे को ही आई थिंक लास्ट मंडे ना अभिमन्यु की छुट्टी थी स्कूल की, और मंडे को ही उसने जिद की थी कि सुबह TV चला दो, तो मंडे को ही हमारी जो LED वो टूट गई थी मुझसे, और आज है मंडे, तो 8 दिन के बाद आ गई हमारी न्यू LED, और अभिमन्यु बहुत खुश है। Thank you.
मुझे ना गोभी बनानी थी ना, तो मैंने गोभी को गरम पानी में भिगो के रख दिया था। 15 से 20 मिनट हो गए हैं, क्योंकि इसके अंदर अगर कोई कीड़ा भी होगा गलती से तो वो बाहर निकल जाएगा अगर आप इसे गरम पानी में भिगोते हो। वैसे मैंने इसे अच्छे से साफ कर लिया था, अब इस मैं इसे ठंडे पानी से धो लूँगी। और वैसे भी इन पे पता नहीं कितना केमिकल होता होगा, पता नहीं क्यों ले आए हैं गोभी। वैसे रोज रोज दाल छोले राजमा पनीर खा के भी बोर हो जाते हैं, तो थोड़ा सा चेंज भी करना चाहिए। 15 दिन में 2 या 3 बार तो खा ही सकते हैं। बिछा दिया ना, आज नीचे बैठो, नीचे बैठ के खा लो यहाँ पे। यस, पिल्लो का होना चाहिए, पिल्लो भी होना चाहिए, पिल्लो लगा लो। आप लगाओगी? आप लगा लो। मंगा दिया ना, अभी मन्नू बिजी है पॉपकॉर्न खाने में। अच्छा ये बताओ नया टीवी कौन लेके आया? नहीं बताओगे? ठीक है मत बताओ। जब इसको कुछ खाना होता है ना ये ऐसे ही करता है, मत बताओ। तो मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स, मैं आ चुकी हूँ अपने किचन में और मैं बना रही थी सब्जी। तो सबसे पहले मैंने तेल गरम होते ही डाल दिया इसमें जीरा, और जीरा के गोल्डन ब्राउन होते ही मैं इसमें प्याज डाल दूँगी। प्याज को मैं ज़्यादा नहीं भूनूंगी क्योंकि इसे मैं थोड़ा कच्चा सा ही रखूँगी, क्योंकि जब मैं आलू गोभी डालूँगी तो ये उसके साथ ही भूनते रहेंगे। और मैं सब्जी को ढक के पकाऊंगी कम से कम 3 से 4 मिनट तक आलू गोभी डालने के बाद। अभी मैंने इसमें कोई मसाला ऐड नहीं किया है, और जैसे ही थोड़े से कलर चेंज होने लग जाएगा आलू गोभी का, तो मैं इसमें डाल दूंगी हल्दी पाउडर और थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर, और सूखा धनिया भी आप ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप एंड में भी ऐड कर सकते हैं। और फिर से मैं इसे 2-3 मिनट ढक के पकाऊंगी और इसी तरह से बार बार चेक करती रहूँगी। और लास्ट में जब मुझे लगेगा कि थोड़ी सी सब्जी पक चुकी है, मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट। तो उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया नमक, और इसे मैं फिर से 1-2 मिनट के लिए ढक के पकाऊँगी, और जब तक कि मेरी सब्जी जो है वो अच्छे से गल नहीं जाती। इस तरह से अगर आप सब्जी बनाओगे तो बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो गाइस साथ में मेरी सब्जी बन रही थी और मैं बीच बीच में इसे चेक कर रही थी, और अब मैं आटा भी गूंद लूँगी साथ ही में। टोटल मुझे 15 से 20 मिनट ही लगेंगे ये सारा काम करने में। तो इस तरह से आपका काम जो है वो बहुत ही आसान हो जाता है अगर आप सब्जी बनाते बनाते जो है आटा गूंद लो, तो रात की जो किचन की तैयारी है खाने की वो बहुत ही इजली हो जाती है। तो मैं सब्जी चेक कर रही थी यहाँ पे कि बन गई या नहीं, वो पकने ही वाली थी। लास्ट में मैंने सब्जी में गरम मसाला और थोड़ा सा आमचूर पाउडर भी मिक्स कर दिया था, वो मैं बताना आप लोगों को भूल गई थी। सब्जी बन चुकी है और बहुत टेस्टी बनी, मैं भी वही टेस्ट कर रही थी।
ये देखो थोड़ी सी बनाई है, क्योंकि मैं और राहुल ही खाएंगे ना, तो हम दो ही जने हैं। अभी मन्नू तो सब्जी नहीं खाता, मतलब वो सिलेक्टेड ही खाता है। किस किस को आलू गोभी पसंद है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना यार। और बहुत टेस्टी बनी है, 15 मिनट में बन गया, आटा भी गूंद लिया मैंने। चलो बैठ के बात करती हूँ आप लोगों से, चोट लग जाएगी आपको। अब ये वाला स्पेस ना है ना, वो खाली हो गया, वो माँ कोने में मंदिर लगा रखा था पहले मैंने, अब ये स्पेस खाली हो गया, तो अभी मन्नू यहाँ पे ऐसे खेलता है टेबल के ऊपर चढ़ के, ऐसे इसके टॉयज रखे हैं। और ये ना मैं रोज़ बिछा लेती हूँ, अभी मन्नू बोलता है कि मम्मा ये बिछा दो, फिर ये यहाँ पे बैठ के खेल लेता है ना, खेल लेते। हाँ बहुत लंबी हो गई, बड़े होने का शौक चढ़ रहा है, ये नहीं पता बड़े होकर कितनी जिम्मेदारी होती है। अब मन्नू आज खुश हो आप, आपका टीवी आ गया, हैप्पी हो? अच्छा किसने मंगाया आपका टीवी? पापा ने। और मम्मा ने? मम्मा ने। हमेशा अपने पापा की साइड लेगा, मम्मा ने नहीं मंगाया। हाँ, आठ बज गए हैं शायद। और ये देखो ये ना 3-4 दिन पहले मैं कुछ बना रही थी, शायद अभिमन्यु, अभी दिखाती हूँ मैं, शायद अभिमन्यु को ही कुछ बना रही थी, पराठा बना रही थी, पता नहीं क्या बना रही थी। हाँ ये छींटे लग गई, रोज काम करते करते आदत हो गई है, तो रोज पड़ जाती है छींटे कभी कभी। अभिमन्यु बेटे गिर जाओगे, मेरे ऊपर कूदोगे आप? ऐसे थोड़ी करते अच्छे बच्चे। खाना मेरा बन चुका है, मीन्स सब्जी और आटा भी गूंद लिया है, और अभिमन्यु और मैं भी खा लेंगे, है ना अभिमन्यु? इसके पापा आज फिर 11 बजे आएंगे, तो वो लेट आएंगे, तो फिर मैं उनकी रोटी तभी बनाऊंगी जब पापा आ जाएंगे। नहीं हम तो अभी खा लेंगे, फिर लेट हो जाएगा ना, आपको स्कूल भी तो जाना है। फेस वॉश कर लेती हूँ मैं, खाना खाने के बाद कर लूँगी मैं। थोड़ा सा मेकअप लगाया हुआ, लिपस्टिक और थोड़ा भी फेस मेकअप किया हुआ थोड़ा सा काजल, तो खाना खा के सीधा फेस वॉश करने चल जाऊँगी। पता नहीं वो दूध के साथ खाएंगे या दही के साथ, राहुल को दही पसंद है ना, तो वो दही के साथ भी खा लेते। दही मैंने निकाल के रख दिए फ्रिज में से, 11 बजे तक तो वो नॉर्मल हो ही जाएगी, अभी 8 बज रहे हैं। लिप ग्लॉस लेके आया, बोलो लिप ग्लॉस लगा दो, लिप्स फट रहे आपके, आ जाओ ऐसे ही लगते बेटा, वो टूट गई है ना, आओ आओ जल्दी आओ। अच्छा लो ऐसे लगाऊंगी फिर, ऐसे तो लड़कियां लगाती है ना, ये टूट गया ना बेटा, ला ये इतनी बात निकलेगी बस, आओ जल्दी बेटा, वो टूट गई अंदर के देखो। आज 8 दिन के बाद टीवी देखा होगा अभिमन्यु ने, है ना, वरना 8 दिन से ना मुझे परेशान कर रखा था। जब भी मैं ट्राईपोड पे अपना फ़ोन लगाती थी वीडियो व्लॉग बनाने के लिए, ये मुझे तंग कर जाता था कि मुझे फ़ोन दो, ये टीवी के बिना ना बोर हो गया था, और आज ये खुश है। आपको पता है ऑलरेडी ना हमारा, हम लोगों ने जब शिफ्ट किया था, हमने मार्च में शिफ्ट किया था, और हम घर से तो कुछ सामान लेके आए नहीं थे, तो हमने सारा सामान ना यहीं पर लिया, तो ऑलरेडी इतना खर्चा हो गया था, और अब ये नुकसान हुआ था मेरे से, हुआ था सुबह। पहले तो नुकसान हुआ था, बहुत परेशान भी हो रही थी कि बेवजह नुकसान हो गया, क्योंकि यार इतना सामान लिया है, बैड लिया है बेटा, नहीं शोर नहीं करो। अरे मम्मा मैं तो फ्रिज चला रहा हूँ। ठीक है, फ्रिज लिया है, फिर एसी भी लिया हमने, बहुत सारा सामान लिया है, चेयर्स ली हैं, मतलब जो भी ज़रूरी का छोटा मोटा सामान है। रेंट के घर में आप इतना सामान नहीं रख सकते, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ना मेरा ना दूसरी बार दहेज आ रहा हो नया। मेरे पास ना मेरे पापा ने मेरी शादी में चिमटे से लेके एसी तक सारी चीज़ें दे रखी है, फिर भी मुझे सामान नया लेना पड़ रहा है। और वो LED तो मुझसे ही टूटी है गलती से, पता नहीं क्या वो सही नहीं लगी हुई थी, वो अगर राहुल का भी हाथ लगता, किसी का भी हाथ लगता, तो वो गिरने ही थी, पता ही नहीं चला वो अचानक कैसे टूटी। तो खैर वो नई ले ली है जैसे तैसे, अब हम अपना मैनेज करेंगे। लेकिन इसके पापा की ये बात है
वो कभी भी ना फील नहीं होने देते अगर घर में कोई भी चीज़ की ज़रूरत होती है ना। तो आज भी ना उन्होंने हमें सरप्राइज़ दिया, हमें नहीं बताया था कि उन्होंने LED जो है वो ऑर्डर कर दी है, ऑनलाइन मंगाई हमने, बिग बिलियन सेल का फ़ायदा उठाया उन्होंने, और हमें नहीं पता था कि LED इतनी जल्दी लगवा देंगे। मैंने तो उन्हें बोला था चलो कोई बात नहीं, 1-2 महीने बाद लगवा लेना, अभी मैंने फ्रिज में क्या कर रहे हो, बंद करो खराब हो जाएगा। मैंने उनको मना किया था कि ना 1-2 महीने बाद लगवा लेना, ऑलरेडी इतना खर्चा हो गया है। बट उन्होंने पता नहीं क्या सरप्राइज दिया, क्योंकि ना उनको पता है अभिमन्यु परेशान हो जाएगा, और हम पार्क में भी आधा 1 घंटे से ज्यादा हम नहीं ले जा सकते, सारा दिन बच्चा फिर क्या करे, फिर वो फोन मांगता है। तो इससे अच्छा सोल्यूशन पार्क में भी खाना खा के चलेंगे। तो गाइज इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, अभी 8:15 बजने वाले हैं, हम लोग खाना खाएंगे और फिर अभिमन्यु को थोड़ा सा मैं पार्क में घुमा के लेके आऊंगी, थोड़ा सा नहीं ज्यादा सा, ठीक है ज्यादा सा पार्क में घुमा के लेके आऊंगी। हाँ अब चलो ट्राइपॉड, क्या करूँ ट्राइपॉड, ट्राइपॉड को तो छोड़ो, आप पहले आप खाना भी तो खाओगे तभी तो चलेंगे। क्यों नहीं खाना, भूख नहीं है, अभी पॉपकॉर्न खाए थे इसने थोड़ी देर पहले, इसलिए मैं नहीं देती आपको शाम को, फिर आप खाना नहीं खाते, खाना तो खाना पड़ेगा, तब लेके जाऊंगी पार्क में। अभी मैं इसको खाना खिला के लाऊंगी, वो देखो आपकी बॉल कहाँ, किचन में, आपकी बॉल देखो किचन में जा रही है। बच्चों के लिए कितना कुछ मैनेज करना पड़ता है ना, क्योंकि अगर बच्चे खुश हैं तो हम भी खुश है ना अभिमन्यु। पेरेंट्स को ना बच्चों की खुशी के लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, हर महीने ना हमारा कुछ ना कुछ नया खर्चा रहता है, फिर भी हम बहुत कोशिश करते हैं कि अपने खुद के खर्चे कम करें और जो जरूरत के हैं। कूदो, 1-2-3, वेरी गुड। चलो गाइस मिलते हैं आपसे नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर व्लॉग अच्छा लगे तो, और लाइक शेयर सब्सक्राइब दो बार बोल दिया, और लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। बाय गाइस।